रोको आंदोलन जो सरकार दावा कर रही थी, ये पंजाब का आप आज आपको सब कुछ नजर आ जाएगा। बेशक आज कल से हरियाणा में किसान लीडरों के घर के ऊपर छापेमारी की जा रही है और पूरा आज 3 करोड़ पंजाबी इस आंदोलन को जो समर्थन कर रहे हैं वो रेल लाइनों पे बड़ी तादाद में आपको नजर आएंगे। तो पंजाब के सभी जिलों में ये रेल रोको आंदोलन होगा। मैं स्वयं अमृतसर के पास जो देवीदासपुरा गांव है, फाटक है, वहां होऊंगा। सभी लीडर, बड़े लीडर, जहां जहां पर भी रेल रोको आंदोलन चलेगा वहां हम शंभू के ऊपर भी रेल रोको करेंगे। इस तरह से राजस्थान में, हरियाणा में, इस तरह से यूपी में, इसी तरह से अपना केरला में, इसी तरह से कर्नाटका में, तमिलनाडु में, पश्चिमी बंगाल में और बिहार में, मध्य प्रदेश में और बहुत पूरे देश भर में ये आंदोलन, रेल रोको आंदोलन होगा। बेशक जहां भाजपा की सरकार है वहां किसानों के ऊपर अधिक से अधिक जुल्म किया जाएगा। वहां के हम किसानों को कहते हैं खेत खलियानों से निकलिए, जहां तक जा सकते हैं भाई वहां तक जाइए, किसी किस्म का हमने सरकार टकराव नहीं लेना है। अपना लोकतांत्रिक अधिकार है, अपनी बात कहने का हक सभी को, अपनी बात कहनी है, देश के समक्ष अपनी मांगों को रखना है। लेकिन हरियाणा सरकार ने अंबाला के अंदर, खासकर एसपी साहब ने बड़ा बयान अखबार के अंदर दिया कि कोई भी आम जन उसके अंदर हिस्सा ना ले, जेल का रास्ता देखना पड़ सकता है। हम हरियाणा सरकार से और एसपी अंबाला से पूछना चाहते हैं, कौन सा अधिकार है हमें शांतिप्रिय तरीके से अपना प्रदर्शन रोकने के लिए, जिन्होंने जो बयान जारी किया है, कौन सा अधिकार उनके पास, कौन सा कानून कहता है कि हम प्रदर्शन नहीं कर सकते, कौन सा उनके पास अख्तियार है, ये सरकार और एसपी साहब बताएं। आने वाले समय में उनको सामना भी करना पड़ेगा किसानों का और मजदूरों का। और जो सरकार ने कानून बनाए हैं हरियाणा के अंदर खासकर, कि जो भी वहां पर किसी की भी प्राइवेट या सरकारी संपत्ति का नुकसान होता है, सरकार का खर्च होता है, हम किसानों से, आंदोलनकारियों से उसे बहन करेंगे। हम उस कानून की भी निंदा करते हैं और आने वाले समय में उसके खिलाफ भी हम लड़ाई कर अपने आंदोलन को मजबूत करेंगे।